नमस्कार दोस्तों दोस्तों दाद खाज खुजली दिना का एक ऐसे अचूक एक ऐसे असरदार उपाय लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुराने जिद्दी से जिद्दी और भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या को आसानी से खत्म कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों सही सही जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो है दोस्तों लेमन। जी हाँ, नींबू। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे दाद खाज खुजली की समस्या को बिल्कुल आसानी से जड़ से खत्म करने का काम करता है। ये नींबू आपको बेहद ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों दाद खाज खुजली की समस्या को खत्म करने के साथ साथ ये हमारे पेट से गैस और कब्ज की समस्याओं को भी खत्म करने का काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस नींबू को दो टुकड़ों में काट लेना होगा और इस आधी कटी नींबू के जूस को हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच की मात्रा में इस नींबू के जूस को। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर में एंटी इरिटेटिंग और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दाद खाज खुजली की समस्या को जड़ से खत्म करने का तो काम करते ही है, साथ ही साथ फिर से दोबारा होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मात्र आधी चम्मच की मात्रा में इस हल्दी पाउडर को। तो यहाँ पर हमने बस दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है और इन दोनों चीज़ों को आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये दो ही चीज़ आपके दाद खाज खुजली के लिए काल है। चलिए जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सुबह करना है। आप अपने दाद खाज खुजली वाले जगह को क्या करें कि हल्के गुनगुने पानी से धो लें और धोने के बाद से एक कॉटन की मदद से इस पेस्ट को अपने दाद खाज खुजली वाले जगह पर लगा दें। दोस्तों ऐसा मात्र 2 से 3 दिन तक करने पर आपकी दाद खाज खुजली की जो समस्या है वो बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाएगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करना है। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।